झाड़ू लगाते समय और चूल्हा जलाते समय माताएं बहनें ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके घर में गरीबी आएगी, आपके घर में दुख आएगा। किसी को दर्द दे करके, दुख दे करके आप सुखी नहीं रह सकते। आप सोच रहे होंगे क्या अर्थ है, क्या मतलब है, हमने कब किसको दर्द दिया, किसको दुख दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात मैं बताने जा रही हूँ। आप लोग जो पीछे साइड बैठे हो, मेरी आवाज़ अगर आ रही हो ठीक से तो आप लोग भी प्रेम से सुनिएगा। ये बात जो है, रोज़ हम घर में चूल्हा तो जलाते हैं, रोज़ जलाते हैं तो हमसे कुछ गलतियाँ हो जाते हैं, रोज़ झाड़ू लगाते हैं तो कुछ गलतियाँ हो जाते हैं, जो गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, झाड़ू को पहले से ठीक से देखिए। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे कीड़े झाड़ू के कारण ना मरे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके झाड़ू लगाते समय, आपके झाड़ू लगाने से छोटे छोटे कीड़ों का हत्या हो गया, मृत्यु हो गया, ये भी पाप है। आपने जानबूझकर के नहीं किया, लेकिन ध्यान तो हम रख ही सकते हैं। झाड़ू को एक बार देखें और आप जमीन पर भी देखें और याद से झाड़ू लगाएं ताकि कीड़े मकोड़े ना दबे, ना मरे। चूल्हा जलाते समय देखिएगा, जिस चूल्हे पर आप आग लगाते हैं, गैस जलाते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे जीव तो नहीं है। आप तो चूल्हा जलाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन उसी चूल्हे पर छोटे छोटे चीटे भी अगर जल गए तो ये भी पाप हो गया। अगर ऐसा होता है तो घर में दुख आता है, क्योंकि यहाँ हम चूल्हा जला करके किसी जीव का अगर हत्या हो गया, चूल्हे के कारण जीव जल गए, छोटे छोटे जीव का हत्या हो जाता, ये भी दुख हो, ये भी एक पाप है। इसलिए अच्छे से चेक करिएगा, अच्छे से देखिएगा। पहले पहले के ज़माने में जब मिट्टी का चूल्हा होता था तो दादियाँ क्या करती थी, पुराने दिन के एक दिन पहले का जो राख है उसको निकालती थी। क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, ताकि वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो निकल जाए, चूल्हे को साफ किया जाता था, वो शुद्ध हो जाता, उसमें कुछ भी कचरा नहीं रहता। फिर जाकर के चूल्हा को जलाया जाता था, लकड़ी को देख करके जलाया जाता था ताकि कीड़े मकोड़े ना मरे। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। घर में ऐसा करने से कभी दुख नहीं आता। घर के रसोई मंदिर समान होता है, मंदिर में कभी भी अपवित्र आहार न लाएं, अशुद्ध भोजन मंदिर में ना बनाएं। इन छोटे छोटे नियम का अगर आप पालन करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, घर स्वर्ग हो जाएगा। ऐसे घर में दरिद्रता नहीं आएगी, ऐसे घर में लक्ष्मी जी सदैव कृपा करती रहेगी। बोलिए लक्ष्मी मैया की, प्यार से बोल दीजिए।